हाँ बोलो बोलो। हेलो। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ भौरीलाल सामरा इंग्लिश हाई स्कूल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू। Good morning to one and all. On behalf of Bhaurilal Samra English High School, I would like to welcome all the parents and students. Today, as we all are facing the problem due to COVID-19 pandemic, from last 1.5 years, entire school remained closed. So, as our beloved principal, respected Mr. Mohan Rathi sir, organized to take teaching as well as extracurricular activities online and still carry on for future. Whenever the school responds as per the government rules, we will be taking extracurricular activities after every frequent interval. Today, we have amongst us a dashing personality. Respected Professor Praveen Gulane sir will be enlightening and guiding us on a very enriched topic, joy with science. Respected Professor Praveen Gulane sir is the president of Marathi Vidyan Parishad. He was felicitated by respected APJ Abdul Kalam ji for his remarkable work for helping student in children sky observation, because he had arranged the big level telescope and was bought by him in Amravati. He also introduced how to cultivate organic farming for the betterment of farmers. The next beneficial efforts made by sir was terrace garden project in Amravati. Respected sir had also arranged scientific programs for children for Marathi Vidyan Parishad Amravati. So keeping the same attitude of hard work, today we have amongst our midst respected Professor Praveen Gulane sir to address us on the beautiful topic, joy with science. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, everyone. Now, today we joy with science, how to develop our skill in science and how to make simple toys or experiment at home and learn from that toys and experiments. Why, how, and another questions. So we will start. आज यहाँ पर हम लोग विज्ञान से जुड़ी कई सारे चीजें हम देखने वाले हैं. इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ये आपको देखना है. और इस तरह की छोटी छोटी चीजों से अगर आप अपनी शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा असरदार हो सकता है. मैं सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे.
जब हम स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उस वक्त हम अपनी कानों का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, आंखों का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, और दोनों चीजें हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको लर्न करते हैं, याद रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उसको भूल जाते हैं। जानते उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लर्न किया है, याद किया है, रटा हुआ है। जब आप वही चीज अगर प्रैक्टिकली करते हो तो आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल, आपने बाइसिकल चलाना सीखा है, मान लो आपको अभी 6 महीने तक आपको बाइसिकल नहीं चलानी है, और उसके बाद आपके हाथ में अगर बाइसिकल आती है तो क्या आप भूल जाते हो कि बाइसिकल कैसे चलानी है? बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं, आपको आता है क्योंकि आपने उसे पढ़ा नहीं है, आपने उसको समझा है। और साइंस और अदर टॉपिक्स ऑल्सो लाइक दैट, आपको उन चीजों को समझना है ना कि लर्न करना है। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है। तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे एक्सपीरियंस और टॉयज आपको नजर आ रहे हैं। मैं रैंडमली स्टार्ट करूंगा, कोई एक टॉपिक लेकर नहीं चलाऊंगा। जैसे जैसे चीजें मेरे पास होंगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें अच्छे से देखें, समझें और अपने घर पर ये छोटी छोटी चीजें करें। और हर एक स्टूडेंट के घर में एक छोटी सी लैब होनी चाहिए, और इस लैब में इस तरह की सारी चीजें आपके पास होंगी तो आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया बनेगा। तो लीजिए शुरुआत करते हम छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट से। देखिए, हम जब भी बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की, ग्रेविटी सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, हाइपर ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी, जो हम लोगों को अभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन इस चीज का भी असर हम पर होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे की हाइट, इंसान की हाइट एक लिमिट तक की बढ़ती है। तो ये जो चीज है, यहां पर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं सेंटर ग्रेविटी, सेंटर ग्रेविटी ऑफ सेंटर, सीजी पॉइंट। ये हर एक चीज का होता है, एरोप्लेन का होता है, बैलगाड़ी चलती उसका होता है, हर एक चीज का ये पॉइंट होता है। विंग्स जो होते हैं एरोप्लेन के, वो कहाँ होने चाहिए, ये डिपेंड करता है सीजी पॉइंट पर। तो चलिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सीजी पॉइंट होता क्या है। ये जो पेंसिल आपके पास सामने नजर आ रही है, आपके पास भी है, और इस तरह का कंपास ये भी आपके पास है, ये दोनों चीज आपके घर पे आसानी से मिल जाती है, आप पढ़ रहे हो। अब आपको करना क्या है, इस पेंसिल का जो हमने शार्प किया हुआ जो हिस्सा है, वहां से थोड़ा सा आधे से 1 इंच ऊपर एक इस कंपास के सहायता से उसको होल करना है। देखना है कि सेफ्टी फर्स्ट, हमारे अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। देन आप देखिए क्या होता है, मैंने यहां पर भी इसको उंगली पर रखना है, और क्या होता है हमको देखना है। अभी आप देख रहे हो पेंसिल एक साइड बेंड हो चुकी, लेकिन नीचे गिर नहीं रही है। तो यहां पर बात आती है, अभी अभी हमने जो बात की थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, यहां पर मैं खड़ा हूं, अभी यहां पर जो ग्रेविटी काम कर रही है, ये मेरे ग्रेविटी जो सीजी पॉइंट होता है, मेरे सर से होकर पैरों में जा रहा है, जिसकी वजह से मैं यहां पर स्टेबल खड़ा हूं। अगर मैं एक तरफ झुक जाता हूं किसी भी एक तरफ, तो मैं गिर जाऊंगा, जब इस सीजी पॉइंट के मैं बाहर चला जाऊंगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि पेंसिल की जो नोक है वहां पर इसका सीजी पॉइंट आया हुआ है, जिसकी वजह से पेंसिल नहीं गिर रही है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसको भी ट्विस्ट कर देते हैं, अब क्या होता है वो भी देखेंगे। नाउ पेंसिल अभी भी नहीं गिरी है, मतलब सीजी पॉइंट वहीं पर आया हुआ है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये आप सोचिए, पढ़िए। ओके, थैंक यू। नाउ सेकंड अनदर एक्सपेरिमेंट, ये ऑल्सो मेक एट होम, इट इज रेडीमेड बाय यूजिंग प्लास्टिक, यू कैन यूज एनी कार्डबोर्ड एंड मेक लाइक दैट। बस उसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे। अब देखिए यहां पर मेरे पास है एक बेल्ट, इनकी सहायता से मैं ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का है, मैं यहां पर अगर हाथ पर रखता हूं तो ये नीचे गिर जाएगा, इट्स फॉल डाउन लाइक दिस। नाउ आई विल अटैच दिस बेल्ट
in that question mark like this. Now again I doing this like that. What happened? अभी ये जो मार्क्स है ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये वैसे स्टेबल है, जबकि हमने यहां पर पहले कोई भी वेट नहीं लगाया था, ये नीचे गिर रहा था। अभी हमने उसमें एक बेल्ट अटैच कर दिया, उसका वेट हेवी वेट उसके साथ अटैच किया, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे नहीं गिरता। इसकी वजह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले देखेंगे हम, जब ये बेल्ट नहीं था तब इसका जो सीजी पॉइंट था वो साइड में था, मतलब इस तरफ था, इसकी वजह से ये ग्रेविटी वर्क कर रही थी और ये नीचे गिर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ये बेल्ट को अटैच कर दिया तो क्या हुआ, जैसे हमने बेल्ट को अटैच किया ये जो सीजी पॉइंट है ये टर्न होकर इस पॉइंट पर आया, जिसकी वजह से ये बेल्ट के साथ स्टेबल है, ये बिल्कुल नहीं गिरता है। तो ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से हम अपने घर पर कर सकते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट है जो सीजी से रिलेटेड, इसलिए हम आपको वही बताना चाहेंगे। ये भी आप कर सकते हो, सिंपल एक टॉयस है मेरे पास। इसमें हमने एक वुडन पीस लिया है जिसमें एक तार लगा हुआ है और दोनों तरफ स्टील बॉल लगे हुए है। कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें आप कोई बॉल ही लगाए, आप कोई भी वेट यहाँ अटैच कर सकते हो। देन उसको हम ऐसे हाथ पर रखेंगे, क्या होता है देखते, ये गिर नहीं रहा है। ये आप घर पर भी बना सकते हो, इट्स लुक लाइक अ बर्ड ऑल्सो। यहां पर हमने एक पेपर का ऐसे बर्ड जैसा शेप लगा दिया पेपर से बनाकर, तो ये बेड जैसा हो जाएगा और आपको इसको डेकोरेट करना है, अपने घर पर रखना है इस तरह से। तो ये एक बहुत बढ़िया ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप अपने घर में अपने स्टडी टेबल के पास रख सकते हो। जाने आने वाले आपके मेहमान जो घर के लोग हैं वो इसको देखकर अचरज में आ जाएंगे और आपसे पूछेंगे आपने कैसे किया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम अपने आप को भी एंजॉय कर सकते हैं, साइंस भी एंजॉय कर सकते हैं, उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो भी जान सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक रैंडमली बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड और भी एक दो चीजें मेरे पास है जिस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन इस समय अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को। हाउ क्रिएट साउंड, आवाज कैसे बनती है, कैसे आती है, ये एक सिंपल सा सवाल है जिसका आंसर आसानी से नहीं दिया जा सकता। तो सिंपल अगर हम वर्ड्स में कहेंगे तो ये डिपेंड करता है वाइब्रेशन पर। इस हवा में अगर कोई चीज अगर उसकी जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनको डिस्टर्ब करता है तो उसमें से साउंड क्रिएट होती है। ऐसी क्रिएट करने वाली एक चीज हमने यहां पर बनाई है, सिंपल सी है, जिसमें इस तरह का एक पीस है कार्डबोर्ड का, ये आप घर पे भी बना सकते हो। इस तरह के दो पीस आपको चाहिए लाइक दिस, ऐसे दो पीस आपके पास चाहिए। और सेकंड थिंग, यू नीड रबर बैंड। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे एक वी शेप बनाना है जिसकी वजह जिसमें हमको इस रबर बैंड को अटैच करना है। और ये वी शेप इसलिए भी करना है क्योंकि ये अपनी रबर जो है अपनी जगह ना खो दे और साइड में ना जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से टाइट ले लेंगे और उसको बैक साइड में टर्न करेंगे लाइक दिस। ये टर्न करने के बाद हम इसको अभी छोड़ देंगे तो क्या होता है, आप देखिए बहुत बड़ी आवाज आई। ये आवाज क्यों आई, अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है ये आप सोचिए, आसानी से आप बता सकते हो लाइक दिस। दो सरफेस है जो एक दूसरे के ऊपर जोर से अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके बीच की जो हवा है वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट हुए और वो जोर से बाहर की तरफ निकले। जितना बड़ा अटैक होगा उतनी बड़ी आवाज आएगी। पटाखे की हम दिवाली में बात करते हैं, आवाज कैसी आती है सब जानते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर बना सकते हैं और छोटे बच्चों को हम एक गिफ्ट दे सकते बतौर एक पटाखा। दिवाली में कहीं भी पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस आवाज पटाखे जैसे आएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम बना सकते हैं। नाउ अभी हम और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि हम रैंडम ले लेंगे, यहाँ पर 5th to 10th के सारे बच्चे हैं देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
यहाँ पर मुमकिन है मैं किसी एक टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करूं, क्योंकि फिर उसमें बाकी चीजें नहीं आएगी, या तो ग्रेविटी आएगा, या तो फ्रिक्शन आएगा, या फिर फोर्स आएगा, मैग्नेट आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आप जानते हैं साइंस में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और इतना सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों से जो भी हमारे पास है उसको हम रैंडमली सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और मेरे पास अभी चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा जो रिलेटेड है फ्रिक्शन से, हमने बात करना अभी फ्रिक्शन को लेकर। तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक दो जो सरफेस होते हैं ये इनके बीच में जो ग्लेजी उसके सरफेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रिक्शन होगा। आपने देखा होगा कई सारी चीजें ऐसी, गाड़ी का जो ब्लॉक पिस्टन होता है उसमें भी ऑयल होता है, साइकिल होती है उसके जो छोटे छोटे बॉल होते हैं उसमें उसमें भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना ज्यादा ये चलेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई एक बॉल या कोई चीज हम ऊपर की तरफ कोई भी चीज फेंकते हैं तो ये सीधी ऊपर जाती है और नीचे तब तक गिरती है जब तक उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है। जैसे जमीन है उसका सरफेस आता है वहां रुक जाती है, तब तक ये रुकती नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूसली चलते हैं। न्यूटन्स के थर्ड जो तीनों लॉ है आप सब जानते हैं, उसमें से एक लॉ पर ये काम करता है। तो ऐसे में अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये फ्रिक्शन जो होता है वो जितना लेस होगा उतना ज्यादा दूर तक जाएगा, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना वो कम जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन होता है उससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा खिलौना बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देयर इज वन बॉल एंड वन थ्रेड, ओनली यू नीड दिस टू थिंग्स, वन मोर थिंग आई विल शो आफ्टरवर्ड्स। नाउ आप देख सकते ये जो बॉल है ये रस्सी के ऊपर नीचे और ऊपर हो जाता है क्योंकि इसमें एक थ्रू होल है जिसकी वजह से ये जाता है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये नीचे नहीं आ रहा है। नाउ आई रिलीज स्लोली स्लोली, इट इज कमिंग स्लोली, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारे ऑर्डर को फॉलो भी करता है, धीरे धीरे जाओ तो धीरे धीरे जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा। अगेन आई रिपीट, चलो फास्टली जाओ, फास्टली आएगा, मिडल में रुक जाओ, रुक जाएगा। ये ओबीडियंट बॉल हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे ऑर्डर को फॉलो करता है, बट यहां कोई मैजिक नहीं है, देयर इज नो मैजिक, यहां पर एक सिंपल साइंस है जिसको हमने अभी अभी आपको बताया था, वो है फ्रिक्शन। आप देख सकते हैं इसमें बॉल को अभी ओपन करने जा रहा हूं, आप इसमें देख सकते हो यहां पर एक स्टिक लगी हुई है, ये जो स्टिक है इस थ्रेड के साथ इसका फ्रिक्शन होता है, और जैसे ही मैं इसको टाइटली करता हूं तो ये फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इस तरह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ये बीच में ही रुक जाता है। जैसे मैं थ्रेड को थोड़ा सा रिलीज करता हूं तो वो फ्रिक्शन होता है वो लेस हो जाता है और इससे बॉल जो है वो आसानी से नीचे ऊपर आ जाती है लाइक दिस। और जब हम करो फॉलो करने के लिए बोलेंगे इसको ओबीडिएंट बॉल को प्लीज स्टॉप इन मिडल, ये रुक जाएगा, गो गो डाउन फास्ट, गो स्लोली, तो ये आसानी से आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करते भी आर्ट की, आर्ट हम सभी को पसंद है, गिफ्ट कर सकते हो उनके बर्थडे पर। देखने में आपको नजर आएगा यहां पर एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है जिसमें कुछ समुद्र के नीचे दिखने वाले जो फिशेस होती है, प्लांट्स होते हैं, उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बट ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इसमें अगर कलर भर दी जाए तो ये कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा। चलिए इसमें हम कलर भरते हैं ऑटोमेटिकली, कैसे आते कलर देखते हैं, चलो देखिए हो गया कलरफुल। जैसे ये अंदर चला जाता है अगेन ब्लैक एंड व्हाइट, जब आप बाहर निकलते हो तो कलरफुल, जब आप अंदर की तरफ ढकेलते हो तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जाता है। अब इस तरह की चीजें हम बना सकते हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं और उसके पीछे साइंस भी समझ सकते हैं या ट्रिक्स भी समझ सकते हैं, कई बार ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने इसमें क्या किया है वो देखेंगे, मैं आपके सामने इसको ओपन करने जा रहा हूं, ये है फर्स्ट स्ट्रिप,
देन सेकंड एंड देन थर्ड। इस तरह का एक कार्डबोर्ड लेना है आपको, उसको तीन हिस्सों में काटना है। एक जो इसमें फ्रेम बनेगी ये मिडल पार्ट होगा, ये नीचे का पार्ट होगा, ये इस तरह से हम इसके ऊपर रख देते हैं तो ये हमारी फ्रेम बन जाती है। नाउ जो दूसरी जो ट्रिक थी स्पेसिफिक वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये इस तरह का ये पिक्चर है जो कलरफुल है। इस कलरफुल पिक्चर में जैसे ही मैं कोई व्हाइट पेपर बीच में डाल देता हूं तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है लाइक दिस। जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूं इसके पिछले रंग आपको नजर आते हैं, क्योंकि हमने जो पहला लेयर यूज किया ये प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट का है जिस पर हमने ड्रॉ किया है, और दूसरा पेज है उसके ऊपर हमने उसको इसी तरीके से ड्रॉ करके कलरफुल किया है। वेरी सिंपल। इस तरह से आप अपने घर में ये छोटा सा फ्रेम बना सकते हैं और अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हो। कैसा लगा आपको ये? बढ़िया। चलो आप भी अपने घर पे बनाइए और अपने स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं उनको दिखाइए और बताइए कि आपको इसमें क्या मजा आया। चलिए अभी आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप टॉपिक लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे बनती है। हमारे घर में बिजली आती है, उस पर फैन चलते हैं, ट्यूबलाइट चलता है, एसी चलता है, हम सब जानते हैं। बट ये बिजली होती क्या, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो ये एक पावर होती है जिसमें एक इसमें न्यूट्रॉन और दूसरों में प्रोटॉन होते हैं जिसको हम निगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ जब आती है तो उसको हम बिजली कहते हैं, जिससे हमारे घर की सारी चीजें इलेक्ट्रिकल की होती है वो वर्क करती है। अब ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, तो जहां पर भी मैग्नेट आता है, मैग्नेट फील्ड आता है, वहां पर उसके बीच में कोई उस मैग्नेटिक लाइंस को कट कर देता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये हमको घर पे करना है या हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए सिंपल से हम एक कोई भी प्लास्टिक का इस तरह का सिरिंज लेंगे। आपको कोई भी शॉप में जाएंगे तो 5-10 रुपए का मिल जाएगा। देन सेकंड थिंग्स यू नीड दिस कॉपर कोटेड वायर, ये 24 गेज की आती है, 26 गेज की आती है, जैसे आपको चाहिए उस तरह की आती है। तो जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। देन हमने क्या किया, इसके जो तार होते हैं उसका एक छोर मैंने अपने हाथ में रखा, दूसरा जो होता है उसके इसके ऊपर लगभग 500 टू 700 टर्न्स इसके ऊपर दिए हैं, और उसके जो दोनों एंड निकले हैं इनको हमने एक एलईडी बल्ब से जोड़ दिया है। यह एलईडी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आप सभी जानते हैं न्यो मैग्नेट के बारे में, ये सही मैग्नेट होते हैं लाइक दिस। ये न्यो डायनेमिक मैग्नेट्स है जिसका हम इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद इनको दो हाथों में उंगलियों में इस तरह से पकड़ेंगे, होल्ड लाइक दिस, और इस बल्ब को हाथ में पकड़ेंगे और इस तरह से हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है। एग्जैक्टली क्या किया हमने, यहां पर जो कॉपर की वायर का जो हमने टर्न्स की है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है जिसमें एक और मैग्नेट हमने डाला है जो उसकी लाइंस को कट करता है, जैसे वो कट करता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यही तरीका दुनिया के हर सिस्टम में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पर होती है, चाहे वो एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन हो, चाहे हाइड्रो पावर स्टेशन हो, या कोई भी पावर स्टेशन हो, या डीसी मोटर हो, वहां पर यही एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से बिजली तैयार हो जाती है। अब बिजली जब तैयार होती है उसको मोटर चाहिए। ये मोटर अगर हम अपने घर पे बनाना चाहे तो सिंपल मोटर, सबसे दुनिया की सबसे पहली मोटर, छोटी सी मोटर, इजी मोटर आप अपने भी घर पर बना सकते हो। कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या नीड है मैं आपको बताता हूं। वी नीड फर्स्ट वन सेल 1.5 वोल्ट, देन सेकंड थिंग यू नीड हैंड पिन लाइक दिस, यू नीड टू पिंस एंड वन न्यू मैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अटैच दिस पिन बोथ साइड, वन इज पॉजिटिव वन इज निगेटिव, एंड पुट अ
new magnet in middle like this, and after that you take one copper wire and make a circle like this, and two points, one is in this direction, another is direction, make a in one line like this, and take one scissor and rub this side like this, and another second side also like this, and after that insert this point in that pin, any side. Now I put properly. Now what happened? You will see. It's moving. This is small motor you can make at home easily. What? हमने सबसे पहले एक सेल लिया है 1.5 वोल्ट का, उसके साथ हमने दो पिन अटैच किए हैंड पिन लाइक दिस, और उसके बाद एक न्यू जो मैग्नेट होता है उसको हमने बीच में इस तरह से सेंटर में फिट किया है, और एक कॉपर वायर लेकर के उसके ऐसे टर्न्स बनाए हैं, ये लगभग 60 से 70 टर्न होंगे, और उसके बाद में उसमें से हमने जो दो एंड निकलते हैं एक इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, उसे अटैच किया हुआ है। और अभी होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, यहाँ से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और इसमें से केबल में जाते हैं, स्क्वायर में जाते हैं, और जो दूसरा है वो निगेटिव, यानी कि हम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देता है, और इसी तरह से सारी मोटर दुनिया की काम करती है, चाहे किसी तरह की मोटर हो, तो इसी जो प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करती है। थैंक यू। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से मोटर काम करती है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, ये हम सब जानते हैं। अभी हम थोड़ा सा और टॉपिक को चेंज करते हैं, बात करते हैं एयर प्रेशर की। जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो वहां पर होता है एयर ब्रेक। कई जगह आपने लिखा होगा, देखा होगा बस के पीछे एयर ब्रेक करके, तो एयर ब्रेक होता क्या है, तो वो समझने के लिए हम सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हो। ये करने के लिए आपको चाहिए दो सिरिंज इस तरह की, और एक चाहिए आपको इस तरह का एक रबर पाइप। ये किसी भी साइकिल के स्टोर की दुकान में आपको मिल जाएगा 5 या 10 रुपए में, और ये जो सिरिंज है 10-10 रुपए की है। आप जो यूज की होती है उसको भी आप फिर से रीयूज कर सकते हो, बट उसके पहले आपको उसको गर्म पानी से धोना पड़ेगा, उसके बाद यूज करना है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट एक इसमें सक्सेस होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, आपको बार बार करना पड़ता है, उसके अंदर की जो खूबियां होती है, उसके अंदर जो गलतियां होती है उसको निकालना होता है, और तब जाकर आप ये कर सकते हो। इस तरह से हमने कर दिया है, अब आप देख सकते हैं क्या होता है, व्हाट हैपन। इस तरफ देखिए, मेरे लेफ्ट हैंड में मैं यहां पर है उसको पुश कर रहा हूं, तो ये साइड जो है अपने आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मैं इसको पुश करता हूं तो राइट साइड का जो है वो इंजेक्शन का जो हिस्सा है जिसको हम डट्टा बोलते हैं, ये ऊपर आता है। ये क्यों होता है, सिंपल, इस इंजेक्शन में जो नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है यहां पर एयर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, इस रबर पाइप में भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसके ऊपर इस तरह से दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं, तो इस एयर के ऊपर प्रेशर आता है। अब ये एयर जो होता है वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोई कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा बलून, बलून में हम जब हवा एयर जो एयर होते हैं उसके अंदर ब्लो करते हैं, भरते हैं, तो वो दीवारों को ऐसे बाहर की तरफ ढकेलती है, उसको बाहर निकलना होता है, जिसकी वजह से बलून फूल जाता है। उसी कुछ इसी तरह से होता है, और यही सिस्टम होती है गाड़ियों में, जहां पर ये जो हिस्सा होता है ये पहियों के अंदर अटैच होता है, और जैसे ही हम उस चीज को, मान लो यहाँ पर ये पहिया है, व्हील है, यहाँ पर लगा होता है, और जैसे हम इसको पैरों से दबाते हैं, ये व्हील को इस तरह से अटैच होके इसको प्रेस करता है, जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह से सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो घर पे, आसानी से कर सकते हो, कोई भी इसके लिए एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है। थैंक यू।
अब जब बात हवा की ही निकली है तो चलिए एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। अभी आपको बताया गया कि कोरोना की वजह से जो पेंडेमिक कंडीशन यहाँ पर आई हुई है, जिसकी वजह से सब आप घर पे बैठे हो, सब एक प्रेशर में हो, तो ऐसे में जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें एक बात आपने बार बार सुनी होगी मोबाइल पर या व्हाट्सएप या फेसबुक पर कि हमारी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है हमारे लंग्स के ऊपर, लंग्स कितने पावरफुल है, कितने मजबूत है उसके ऊपर, वो अगर खराब हो जाते हैं तो हमारी डेथ हो सकती है। तो ऐसे में हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने बनाया है, इसके वजह से आप जान सकते हो कि आपकी लंग्स कैसे काम करते हैं, ये कैसे हम तय करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए एक इस तरह का छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा, एक इसके अंदर आपको नजर आ रहा है रबर बलून है, इसको मैं बाहर इसलिए निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इसको एयरटाइट हमने कर दिया है, और हर फिर उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो होल किए है, एक होल में एक स्केच पेन जो एम्प्टी स्केच पेन होता है वो कट करके यहाँ पर लगा दिया है, एंड इन सेकंड एंड हमने एक प्लास्टिक पाइप अटैच किया लाइक दिस, ये भी एयरटाइट किया फेविक्विक के माध्यम से। अब हम देखेंगे क्या होता है जब मैं इसमें हवा ब्लो करता हूं तो उसके अंदर आपको क्या नजर आता है वो भी देखेंगे। मैं एयर ब्लो कर रहा हूं तो ये जो बलून है ये सिकुड़ गया है, सिमट सा गया है। जैसे ही मैं अगर यहां पर फूंक मारता हूं तो ये फूल जाता है। अब हमको अपनी लंग्स कैपेसिटी को कैसे जानना है, तो मुझे इनहेल करना पड़ेगा, एयर को अंदर लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा, तो हम ये पाइप लगाते हैं लाइक दिस। अब बलून की तरफ देखिए, बलून का जो एंड है यहां पर लगा हुआ है, इसका इस पाइप से कोई संबंध नहीं है, ये बलून जो है इस स्केच पेन के साथ अटैच हुआ है, मैंने अभी भी एयर ब्लो करके आपको बलून बड़ा करके दिखाया था। अब हम इसको टच ना करते हुए भी इस बलून को बड़ा कर सकते हैं, देखिए कैसे। क्या किया हमने, एयर को इनहेल कर लिया, अंदर की तरफ खींचा, तो बलून अपने आप खुला कैसे, ये तो ओपन है, यहां से हवा निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए फिर से, डब्बे से हमने हवा निकाल दी, बलून अपने आप फूल गया, बलून का ये हिस्सा इधर है, जो उसका एंड है पॉइंट है वो यहां पर है, यहां से एक्चुअली हवा बाहर निकलनी चाहिए लेकिन वो नहीं निकल रही है। फिर यहां पर क्या हुआ एग्जैक्टली, यहां पर एक जिसको हम कहते हैं कि एयर प्रेशर होता है वो जो होता है नॉर्मल तौर पर सब तरफ रहता है, डब्बे में हमने वैक्यूम क्रिएट किया, डब्बे के अंदर की सारी हवा इस पाइप से मैंने अपने लंग्स में खींच ली, जिससे मुझे पता चला कि मेरी लंग्स कैपेसिटी क्या है। एंड देन सेकंड, जब हमने इसमें से एयर को इनहेल कर लिया तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बलून अपने आप फूल गया। ये साइकिल होती है, कम दबाव की चीजें ज्यादा दबाव की तरफ और ज्यादा दबाव वाली कम की तरफ ऐसे दौड़ती है। इसका एक अपने रेगुलर लाइफ का अगर मैं आपको कोई एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा तो वो है गर्म पानी। गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी, जो गर्म पानी होता है वो ठंडा होते जाता है, सब जानते हैं। ठंडे पानी को आप गर्म कर सकते हो तो गर्म हो जाता है, इस तरह से साइकिल चलती रहती है, ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ, गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ दौड़ती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर की वजह से टोर्नेडो तैयार होता है। ये टोर्नेडो कैसे तैयार होता है तो ये भी हम अभी देखेंगे। उसके लिए हमको एक चाहिए सिंपल सी बॉटल, सर लाइक कबीर, एक सिंपल सी बॉटल जिसके साथ एक हमने कैप अटैच की है, इस तरह से कैप है, इसमें एक होल किया हुआ है और इस होल करने के बाद इसको हमने इसमें अटैच कर दिया, इसमें पानी भर दिया। अब हमको थोड़ा सा इसको रोटेट करना है इस तरह से, व्हाट हैपन, टोर्नेडो देखिए अब पानी में किस तरह से बना हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते, एक
बॉटल में ऑयल, थोड़ा सा घासलेट और थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा रंग या फिर रंगोली मिक्स करके भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और भी ज्यादा अच्छे से इसको आप इंजॉय कर सकते हो। तो अभी आपने देखा यहाँ पर भी जो क्रिएट हुआ है वो एयर की वजह से हुआ है, जिससे जो दबाव बढ़ गया, जिससे इस तरह का ये क्या कहेंगे हम टोर्नेडो जो है छोटा सा वो तैयार हुआ। चलिए फिर से मैंने जैसे आपको बताया रेंडमली हम एक एक एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट जो एयर से रिलेटेड है, एयर इज ओके, ये भी आप अपने घर पर कर सकते हो। यू नीड वन पेंसिल, वन बेंड स्ट्रॉ एंड वन बलून एंड वन पिन, यू टेक एनी पिन। तो इस तरह से हमने इसका सेंटर में लगभग एक पिन इसमें अटैच कर दिया और दूसरे एंड पर हमने इसमें एक रबर बलून जो होता है वो अटैच कर दिया, सेलो टेप से इसको टाइट कर दिया। अब मैं इसमें एयर ब्लो करता हूं और देखते हैं हम क्या होता है। आपने देखा कि ये जो स्ट्रॉ है ये रोटेट हो रही है, मूव हो रही है। लुक अगेन, इस तरीके से ये जो स्ट्रॉ है ये गोल गोल रोटेट हो रही है। इसके पीछे वजह क्या है, जब यहां से हम एयर को ब्लो कर रहे थे और ये एयर प्रेशर जो है वो वापस से निकलकर इस स्ट्रॉ से निकल रही है, जबकि ये स्ट्रॉ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेड स्ट्रॉ है। बेड की वजह से यहाँ पर आप जानते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला काम है, यहाँ पर उसने एयर को पीछे की तरफ ढकल दिया यहाँ के, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव हो गया और जिससे ये रोटेट होने लगा। तो इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर सकते हो। अब हम थोड़ा और चेंज करते टॉपिक को, ऑप्टिकल इल्यूशन। ऑप्टिकल इल्यूशन की कई सारे वीडियोस, कई सारे फोटोग्राफ्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप सिर्फ वहां पर ऑप्टिकल इल्यूशन पिक्चर्स या मूवीज या जो भी आपको लिखना है लिखिए तो आपको नजर आएगा। उसमें से छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहां पर करके दिखाना चाहता हूं। यहां पर मेरे पास एक जोकर है जो सिगार पी रहा है, देन अनदर दूसरा एक है ये भी वही कर रहा है, लेकिन अब इसमें देखेंगे हम कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। आप देख रहा पा रहे हैं कि ये बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। अब आपको लगता है कि ऐसा है तो फिर हम इसको निकाल कर फिर यहां अटैच करते हैं। आप देखिए जो छोटा था वो बड़ा दिख रहा है, बड़ा छोटा दिख रहा है, फिर से अगेन करते हैं। इस तरह से बट बोथ आर सेम, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूशन। तो इस तरह से ये इल्यूशन होता है। अब इस ऑप्टिकल इल्यूशन में हम कुछ चीजें भी बना सकते हैं, खासकर जो फिफ्थ सिक्स के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, सेवंथ के स्टूडेंट है, वो लोग अपने दोस्तों को एक गिफ्ट दे सकते हैं जिसको हम कहेंगे मैजिक बॉक्स। लाइक दिस, एक मैजिक बॉक्स है, इसमें आपको एक बॉल नजर आ रहा है जो फ्लोट हो रहा है बीच में। आप सोच रहे हैं ऑटोमेटिकली बॉल ऐसे कैसे यहां पर फ्लोट हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यहां पर होता क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां मैं यहां से कट कर दिया। अब इसमें ये जो सीजर है मैं इसके अंदर डालूंगा, आपको दिखाई दे रही है कि दिखती है तो देखिए नजर आ रही है, नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक मैजिक है। ये मैजिक क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए है दो कांच, जिसमें से सामने वाला जो है सिंपल ग्लास है और इसके बैक साइड में यहाँ पर 45 डिग्री में एक मिरर लगा हुआ है, जिसकी वजह से 45 का एंगल यहाँ बनता है, उसकी इमेज ऊपर की तरफ दिखती है तो उसको 90 के एंगल में तैयार होता है, जिससे हमको ये एम्प्टी बॉक्स की तरह नजर आता है। और इस जो मिरर है जो 45 डिग्री में फ्लैट है, पीछे की तरफ है, तिरछा है, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा हाफ बॉल जो होता है वो स्टिक कर दिया है, जिसकी इमेज उस मिरर में नजर आ रही है, जिससे ये टोटली कंप्लीट सर्कल ऐसा नजर आ रहा है या बॉल जैसा नजर आ रहा है। ओके, तो इस तरह की चीजें भी आप बना सकते हो। और टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, ये कह के आप उनको ये भी दिखा सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं टॉपिक को।
अब हम लेते बात मैग्नेट की. हम सभी जानते हैं टू टाइप के मैग्नेट होते हैं, वन इज परमानेंट मैग्नेट, अनदर इज टेम्पररी मैग्नेट. ये जो टेम्पररी मैग्नेट होता है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. जो बड़ी बड़ी क्रेनें होती है लोहे की चीजें उठाती है, तो वो कैसे उठाती है हम यहाँ पर देखेंगे. उसके लिए हमको चाहिए एक नेल, इस तरह का एक नेल, उसके बाद इस तरह की एक वायर, कॉपर वायर कोई भी चलेगी, और उसके कई सारे टर्न्स देना है उसके ऊपर, और उसको सेलो टेप से जोड़ना है ताकि वो टर्न्स ना निकले. उसके बाद आपको चाहिए एक बैटरी. मैं यही बैटरी यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी हमारा इसका काम यहाँ हो चुका है. तो इस तरह से बैटरी का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे. कोई भी बैटरी आप यूज कर सकते हो, 1.5 की भी कर सकते हो, या जो हमारे सेल की होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हमने करना क्या है, यहाँ पर एक डिश है, इस डिश में मैंने कुछ आयरन पील्स रखे हुए है. अब ये जो वायर है हम इसको अटैच करेंगे. कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, पॉजिटिव या निगेटिव है कोई भी आप लगा सकते हो. और उसके बाद जो ये जो नेल है हम यहाँ पर लेकर जाएंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ सारे जो आयरन पाउडर है उसके साथ अटैच हो चुकी है. व्हेन आई रिलीज माय फिंगर्स फ्रॉम बैटरी इट विल फॉल डाउन. जैसे मैंने इसको निकाल दिया, मैग्नेटिज्म उसका निकल गया और सारे के सारे आयरन फिल्स होते हैं वो नीचे गिर गए. तो इस तरह से एक सिंपली टेम्पररी मैग्नेट आप अपने घर पर बना सकते हो इजीली. चलिए, फ्रिक्शन की हमने एक बात की थी, आपको बताया था कि फ्रिक्शन कैसे होता है. तो इसी फ्रिक्शन को लेकर एक एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जो मेहमान आएंगे उनके साथ शेयर कर सकते हो. उसके लिए यू नीड वन एनी जार, इफ इट इज ग्लास सो वेरी गुड, देन अनदर राइस एंड वन पेंसिल. अब हम इस पेंसिल को इसमें आई वॉन्ट वन प्लास्टिक. ओके, लेट इट बी. आई विल शो दिस एक्सपेरिमेंट एट लास्ट बिकॉज वी नीड सम अनदर थिंग्स. इट इज इन ऑलरेडी वर्किंग इन अनदर एक्सपेरिमेंट, सो आई विल शो लास्टली. बिफोर दैट I want to show one more experiment. ये भी आप घर पर कर सकते हो, easily कर सकते हो. For that you need one tray, one of plastic ball and one glass like this. Put some water in that glass and after that you put the ball, plastic ball, any ball, and turn like this and see what happened. जो बॉल है वो ग्लास के साथ अभी भी अटैच है, चिपका हुआ है. अब इसकी वजह क्या हो सकती है आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए. नाउ आई रिलीज सम वाटर फ्रॉम ग्लास लाइक दिस एंड वॉच व्हाट हैपेंड. नाउ अगेन व्हाट हैपेंड, पानी को हम निकालते जा रहे हैं लेकिन बॉल अभी भी उसके साथ अटैच है. अगेन ऑलमोस्ट जो पानी हमने निकाल दिया है फिर भी ये बॉल अटैच है ग्लास के साथ. अब देखिए नीचे गिर गया. यहां पर क्या हुआ था, जब इसमें हमने पानी को भर दिया था और उसके बाद ये बॉल रखा था और इसको टर्न किया था बैक साइड में, तो इसके बीच जो है वो वैक्यूम जो होता है क्रिएट हुआ था, जिस वैक्यूम की वजह से जो हमारा बॉल है वो अटैच है. क्योंकि यहाँ पर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है नॉर्मल तौर पर वो भी ज्यादा है, वो ग्लास के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है. अब इस ग्लास के अंदर जो प्रेशर है वो कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, जिससे बॉल ये इसके साथ अटैच है. जैसे हम हवा को अंदर जाने के लिए रास्ता देते हैं
Now what happened? Both are equal. ग्लास के अंदर का जो प्रेशर है वो और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है, वैसे ये बॉल को छोड़ देता है। इतना सिंपल है ये, ये भी आप अपने घर पर कर सकते हो। I need this jar, that's why I'm showing this first. कोई भी एक इस तरह का दो ग्लास ले प्लास्टिक बॉटल लेकर के आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस तरह से बॉटल में हमने वर्टिकली ऐसे इसमें स्लॉट किए और उसको सी शेप में कट करके इसके ऊपर इस तरह से कलर टेप लगाए। आप कोई भी डेकोरेट करने के कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो और इसको आप अपने बाहर रखेंगे तो ये काम करेगा। जैसे एयर ब्लो होगी वैसे ये घूमता जाएगा, जिससे हम गैरोमीटर जो होता है जिससे हम हवा की विंड की जो स्पीड होती है वो हम काउंट करते हैं, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट लगता है जो मटेरियल लगता है वो ये होता है। तो आप इस तरह से अपने घर पे बना सकते हो, रख सकते हो, स्कूल में भी आप ये बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे हवा की स्पीड क्या है ये बताई जा सकती है। सो फेकुन दे ओके। चलिए नाउ अगेन फ्रिक्शन को लेकर हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, किस तरह के खिलौने बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं जिससे हम फ्रिक्शन को समझ सकते हैं। यहां पर इसके लिए हमने प्लास्टिक का एक गोल पाइप लिया है, आप सॉरी कार्डबोर्ड का, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हो। यू नीड वन प्लास्टिक और कार्डबोर्ड पाइप, देन टू प्लास्टिक बॉटल्स, यू कट लाइक दिस एंड मेक अ होल इन सेंटर एंड अटैच द वुडन स्टिक लाइक दिस। और उसके बाद आपको इसमें एक रिफिल जो होती है एम्प्टी रिफिल, उसके दो टुकड़े दोनों तरफ लगाने हैं और जो थ्रेड होता है वो इसमें से एक टर्न करके आपको इसे लेना है। अब क्या होता है देखेंगे यहाँ पर। आपने देखा कि बोतल किस तरह से मूव हो रही है, यहां पर फ्रिक्शन के ऊपर है, जहां फ्रिक्शन हो रहा है वहां पर ये मूव हो रही है, जहां पर फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा है वहां ये रुक जाती है। तो ये इस तरह से फ्रिक्शन जो होता है थ्रेड और इस उड़न की जो स्ट्रिप है उसके साथ होता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से रोटेट होती है। ओके अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क को लेकर, कि कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जैसे हमारे गाड़ी में होते हैं, कई सारी चीजों में होते हैं, इस तरह से जो मैकेनिज्म काम करते हैं वो कैसे करते हैं उसको लेकर के आप इस तरह के एक छोटा सा खिलौना भी बना सकते हो। यहां पर हमने एक तार लिया है, इस तरह से बेंड कर किया है इसको और इसको दूसरे पाइप में इस तरह से जोड़ दिया है। देन अनदर एक तार यहां से लेकर के हमने इसके साथ जोड़ दिए, जिसमें एक हमने डॉल है उसको अटैच किया, डॉल के पैरों के पास में हमने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया है। अब जो हैंडल है ये इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। इस तरह के खिलौने भी आप इस तरह से मैकेनिज्म से बनाए जा सकते हैं, कई सारे चीजें इसमें बन सकती है। तो ये भी एक अच्छा ऐसा मॉडल है जिसमें आपको मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिकल वर्क कैसे किया जाता है, डायरेक्शन कैसे चेंज किए जाते हैं, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, ये आप इसमें कर सकते हो। इसमें कई सारी नई नई चीजें आप इसमें आप इन्वेंट कर सकते हो। चलिए हमारा जो बॉल है वापस से आ गया, हमारा जो एक्सपेरिमेंट बाकी था वो अभी हम करेंगे। तो इस तरह से हमने एक प्लास्टिक लेना है और उसमें ये जो राइस होता है ये इसमें हमको फिल करना है। अभी हम इसमें ये पेंसिल इस तरह से डालेंगे तो ये जार ऊपर आएगा, यस और नो, ट्राई करते, नहीं नहीं, लेकिन
इसको हम इस तरह से रख के थोड़ा सा पुशअप करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे। आप देख सकते हैं जार को पूरी तरह से पेंसिल ऊपर उठा लिया। हाउ? ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन। जब हमने पहले कोशिश की थी तब जो पेंसिल है ये हमने जब इसमें इजिली डाला और बाहर निकाला तो ये इजिली बाहर निकल आई, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन नहीं था। जैसे हमने इसको उंगलियों से हाथ लगा करके फिर से उसको बनाया तो फ्रिक्शन बढ़ गया। इस फ्रिक्शन की वजह से जार चावल के साथ ऊपर आया। ये भी आप अपने घर पर कर सकते हो, सारी चीजें आपके घर पर पड़ी हुई है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए ये मैजिक कैसे कर रहा है। ओके, सर तो टेबल पे समोर टेबल टेबल आई नीड वन टेबल सनमाइका का टेबल। एयर प्रेशर की हम बात करते हैं, एयर प्रेशर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उससे क्या होता है, उसके लिए हमने एक छोटा सा खिलौना बनाया। यू नीड पिंग पोंग बॉल एंड टू स्मॉल स्ट्रॉ लाइक दिस एंड वन रिफिल अटैच इन मिडल इन 90 एंगल लाइक दिस, इट्स मेक अ टी शेप एंड देन यू टेक वन बेंड स्ट्रॉ पुट इट लाइक दिस एंड ब्लो फ्रॉम डाउन साइड। What happened? यहां पर आप देख सकते हैं बॉल के दोनों तरफ जो स्ट्रॉ लगे हैं, एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरी उसके अपोजिट में, जिसकी वजह से जो एयर है दोनों तरफ से बाहर निकली और ये जो बॉल है ये रोटेट होना शुरू हुआ। अच्छा लगा, आप भी अपने घर पर बनाइए, बहुत सिंपल सी चीजें आपके घर पे पड़ी हुई है, मिल जाती है। प्लास्टिक बॉल किसी भी खिलौने की दुकान में आपको मिल जाएगा, आप बड़ा भी ले सकते हो, बट बड़े के लिए आपको एयर प्रेशर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो ये सारी चीजें सोचकर आप ये सब कर सकते हो। अब हमने एयर की बात छेड़ी है तो एक और चीज देखते हैं, जो बनाने के लिए आपको कोई भी इस तरह का प्लास्टिक की बैग चाहिए, छोटी सी बड़ी कोई भी, और एक स्ट्रॉ चाहिए। एयर में कितनी ताकत होती है कि वो किसी चीज को लिफ्ट भी कर सकता है। मानो अभी ये ट्रे मैंने पानी का भरा हुआ है, ये हमने यहां रख दिया इस तरह से, आप देख सकते हैं, और इस स्ट्रॉ से मैं अभी एयर को ब्लो करूंगा। अगर हम यहां पर अगर 10-20 बच्चों को खड़ा करें और उनको कहूं कि सारी तरफ से इसमें एयर ब्लो करो और इस ट्रे को ऊपर उठाओ, तो इट इज इम्पॉसिबल। बट ये सिंपल एक व्यक्ति, एक इंसान इसको आसानी से कर सकता है, एक स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। उसके लिए बस एक टेक्निक चाहिए लाइक दिस। आपने देखा यहां पर कि जैसे ही मैंने हवा को ब्लो किया बैग में, तो बैग जो है वो फूलकर बड़ी हो गई और जो उसके ऊपर रखी हुई कोई भी चीज है इसको ऊपर उठा लिया गया। इस तरह से एयर लिफ्टिंग का काम किया जाता है। जब भी किसी चीज को उठाना होता है तो हम इस तरह की जो चीजें उसका इस्तेमाल यहां कर सकते हैं। अभी देर थोड़ी देर पहले हमने एक मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट देखा था, उससे रिलेटेड है ये आखिरी, अभी तीन एक्सपेरिमेंट हमारे बाकी है, उसके बाद हम यहां पर रुक जाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कैमरा में आपको नजर आ रहा है बॉल जो है ये इस तरह से नीचे है, अभी एक छोड़ देता हूं तो गिर जाता है, बट जैसे मैं इसको धीरे धीरे ऊपर लाता हूं
यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। यहाँ पर बीच में गैप भी है, अगर आप ठीक से देख सके, इसमें गैप आपको नजर आएगी। व्हाट हैपेंड, यहां पर हमने क्या किया, इस बॉल के भीतर एक मैग्नेट को अटैच किया, रिंग मैग्नेट को, और दूसरा मैग्नेट जो है इस वुडन पीस में अटैच है, जो अट्रैक्ट करता है पोल को इस तरह से, जिससे ये बॉल इस तरह से खड़ी रहती है। यहां पर आप काइट भी लगा सकते हो, पतंग छोटी सी बनाकर वो भी लगा सकते हो, तो आपके दोस्त खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये भी आपको समझ में आएगा। अट्रैक्शन रिपल्शन कहाँ होता है, ये भी आपको इससे समझ में आएगा। ओके, चलिए एक और मैजिक करते हैं, जिसे हम मैजिक कहेंगे, लेकिन ये मैजिक नहीं, इट इज अ साइंस, पार्ट ऑफ साइंस। दुनिया में मैजिक कहीं नहीं होता है, जो होता है वो साइंस होता है, जिसको समझ में आता है वो उसे जादू कहता है, मैजिक कहता है, नहीं कहता है, और जिसको समझ में आता है वो बोलता है कि ये साइंस है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मैजिक। चलो मान लो अभी मेरे पास ये एक नेल है जो हमने 90 के एंगल में बीच में फिट किया है। आपको भी क्या चाहिए, एक वुडन पीस चाहिए जिसके ऊपर इस तरह से एक बड़ा नेल आपको अटैच करना है, फिट करना है, और ऐसे कई सारे नेल्स जो मार्केट में मिलते हैं आप ले सकते हो, इससे छोटे भी आप यूज कर सकते हो। मैंने बड़े इसलिए किए क्योंकि ये मुझे बाहर पब्लिक को शो करना होता है, इसके लिए हमने बड़े लिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे नेल्स जो है ये इसके ऊपर ऐसे अटैच होने चाहिए, इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं रह सकता। एक सिंपल सा भी मैं रखूंगा मुश्किल से तो वो भी आसानी से नहीं रहेगा, वो भी गिर जाता है, इट्स फॉल डाउन लाइक दिस। लेकिन यहां पर अगर हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारे जो नेल्स है ये एक ही नेल के ऊपर आसानी से अटैच हो सकते हैं। हाउ, वॉच इट प्रॉपरली, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक नेल जो होता है वो इस तरह से रखना होता है, जो दूसरा होता है वो इस तरह से रखना होता है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रखना होता है, इस तरह से अल्टरनेटली, एक मेरी तरफ एक आपकी तरफ, इस तरह से रखना है। ठीक से देखिए, समझिए, और जो सारे नेल्स रखने के बाद जो लास्ट है इसका हेड इस तरफ है, मेरी लेफ्ट की तरफ है, ये मैं राइट की तरफ रखूंगा इस तरह से प्रॉपरली। ये करते बहुत सावधानी से करना है, जरा सी भी गलती हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। छोड़ने से पहले देखिए, सारे के सारे जो नेल्स है वो एक ही नेल पर बैलेंस कर रहे हैं, कोई भी नहीं गिर रहा है। यहां पर दो चीजें काम करी है, सबसे पहला का जो काम है वो है ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो उस नेल के बीच में हमने लिया है, और उसको लेने के लिए सारे नेल्स को एक साथ अटैच करने के लिए उसके जो हेड है ये ऊपर की तरफ है, जिसको इस बीच वाले जो नेल ने उसको लॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिर रहे। तो इस तरह से सिंपल सी ट्रिक्स यूज करके हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो नामुमकिन है वो मुमकिन कर सकते हैं। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जो नामुमकिन है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो आप उसको कर सकते हो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो आपको ये बताता है, आप जरूर इसे घर पे कीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे हमने एयर के दो तीन एक्सपेरिमेंट देखे थे, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट, इसके बाद एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो उसमें से ये पहला जो है ये हावरक्राफ्ट है, इट इज कॉल्ड हावरक्राफ्ट। हावरक्राफ्ट के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक डिस्क, अगर आपके पास नहीं तो आप सीडी प्लेयर की सीडी यूज कर सकते हो, देन एक छोटा सा ऐसा अटैचमेंट और एक बलून। अब हम इसको यहां से निकालेंगे और इसमें एयर ब्लो करेंगे, और थोड़ा सा हम साइड में दा, क्योंकि मुझे चाहिए सरफेस जो चाहिए प्लेन सरफेस चाहिए। तो क्या होता है देखिए, अब इसको हम इसके साथ टाइटली अटैच करेंगे और यहां रखेंगे, आप देख सकते हैं जो सीडी है या प्लास्टिक डिस्क है वो मूव हो रही है ड्यू टू ओनली
एयर एयर प्रेशर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बलून से सारी हवा जो है इस होल से निकल रही है और यहाँ से चारों तरफ फैल रही है, यहाँ पर एक एयर कुशन बन रहा है, ये एयर कुशन जो है इसको ऊपर लिफ्ट करता है जिसकी वजह से हवा में फ्लोट होता है लाइक दिस। ओके गॉट इट। तो आप भी अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब चले आज का आखिरी लास्ट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ये करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग इस तरह की चीजें मार्केट में, जैसे खासकर जो बाबा लोग होते हैं वो बनाते हैं लोगों को, तो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आपने महाभारत में भी सुना होगा कि इसके ऊपर बैठना सोना ये सब उसमें दिखाया गया था। तो ये कैसे होता है, पितामह जिन्होंने इसके ऊपर बानों के ऊपर आप लेटे हुए थे उनको कुछ भी नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हुआ था वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये बनाने के लिए आपको एक इस तरह से प्लाईवुड चाहिए और इसमें छोटे छोटे छेद हमने करके इसमें सारे नेल्स जो है ग्राफ पेपर लगाकर इसमें अटैच किए ताकि सब इक्वल डिस्टेंस पर लगे, और उसके बाद हमने इसको सीधा रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे बात करेंगे तो क्या होता है, आप समझ सकते हो मैं अगर इसके ऊपर प्रेशर देता हूं हाथों का तो मेरे हाथों पर जख्म हो सकती है। व्हाट हैपेंड, देखिए अब क्या होने वाला है, बलून फूटेगा, नहीं फूट रहा है, फूटना चाहिए, नहीं फूटना चाहिए, फूटना चाहिए, बट कुछ नहीं हो रहा है। जब बलून को कुछ नहीं हो रहा तो इंसान को क्या होगा, आइए देखते, मैं बैठता हूं इसके ऊपर, आप सभी देखिए। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हो रहा है। अब ऐसे कैसे होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये आपको थोड़ा समझना होगा। यहां पर लेस एरिया मोर प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, ये चीज आपको समझनी है जिससे आपको पता चलेगा। अगर मैं इसमें से कोई भी एक नेल उठाकर अगर इसको बलून को लगाता था तो क्या होता था कि बलून का ये जो नेल का जो पॉइंट होता है यहां पर प्रेशर ज्यादा एरिया कम हो जाती थी जिससे ये बलून फट जाता था। पर यहां पर कई सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसका प्रेशर डिवाइड हो गया जिसकी वजह से ये बलून नहीं फूटा। तो मुझे लगता है कि हमारा समय भी यहां पर समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। विदा लेने से पहले आपको बताऊं कि अगली बार हम फिर से अगर मिलते हैं तो हम बात करेंगे रोबोटिक्स की। ये EV3 का लीगो का एक किट है जिसमें हमने एक प्रोग्रामिंग की भी किया हुआ है, बट अभी ये वर्क नहीं करेगा ज्यादा, फिर भी आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये भी कैसे वर्क करता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आज जो मून पर हमने प्रोब भेजे या मार्स पर भेजे, जहां जो वहां पर जाकर स्टडी करेंगे, तो ये बनाने वाली चीजें जो है हम आसानी से बना सकते हैं। सोलापुर के पास एक 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जिसने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया जिसके माध्यम से उसने एक सैटेलाइट बना लिया छोटा सा, और ये सैटेलाइट अभी तो ये सैटेलाइट जो है उसको भेजा गया है इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से। तो इस तरह की चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मैकेट्रॉनिक्स जो होती है वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेट्रॉनिक्स में पार्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल दोनों को मिलाकर बिना बनाया जाता है। तो ये कैसे होता है, इसमें लाइन डिटेक्टर होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, गैस डिटेक्टर होता है और यूजफुल होता है। ऐसी कई सारी चीजें हमारी ह्यूमन लाइफ में भी काम में आते हैं। हमारे घर में गैस लीकेज होता है, ये आपको बताएगा कि आपके घर में गैस लीकेज हो रहा है। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको अलर्ट करेगा, आप जहां पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको ये बताएगा कि आपके घर में गैस लीकेज है। आपके घर के सारे इलेक्ट्रिक जो है आपके मोबाइल से आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीजें जिसको लेकर हम नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगे होंगे और आप अपने घर पे बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। जॉय इज साइंस। थैंक यू।
as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I, with all your greatness, would like to thank respected Professor Praveen Gulani sir for enlightening and guiding all of us in a very pleasant manner on the topic of joy with science. We are indeed very grateful and thankful, sir. Last but not the least, I would like to express my thanks to all the parents and students who actively took part in this webinar conducted today. Thank you and stay safe. Have a pleasant day ahead. सर को बुला लीजिए सर को सर है बिल्कुल